क्वेटा में बैंकर्स ने हफ्ते की छुट्टी खत्म करने के खिलाफ स्टेट बैंक के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और रोड को दोनों अतराफ से बंद कर दिया, जिससे पैदल चलने वाले लोगों और ट्रैफिक को रवानी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मजीद जानते हैं बिशारत खान की इस रिपोर्ट में। क्वेटा में हफ्ते की छुट्टी खत्म करने पर बैंक के मुलाजमीन रोड पर निकल आए और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सामने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। इस एहतजाज में सरकारी बैंकों के मुलाजमीन के साथ साथ निजी बैंकों के मुलाजमीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इन्होंने हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की और रोड को दोनों इतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुलाजमीन का कहना था, छुट्टी खत्म करके हम पे इजाफी बोझ डाला जा रहा है और हफ्ते के दिन काम करने पर अलाउंस भी नहीं दिया जा रहा। छुट्टी खत्म करने से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी, आज के प्रोटेस्ट के हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आज हम बैंकर कम्युनिटी क्वेटा जोन, इसमें बलूचिस्तान के बाकी अजला के लोग शामिल नहीं हैं, ये सिर्फ क्वेटा जोन के बैंकर्स एहतजाज के लिए निकले हैं। और हमारा मुतालबा सिंपल है, एक ही मुतालबा है हमारा, और वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पिछले चार दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक ऑर्डर निकाला है, जिसमें उन्होंने हफ्तावार जो हमारी छुट्टी थी वो इन्होंने ख़त्म कर दी है, और इसके अलावा हमारी जो बैंक टाइमिंग है वो 10 बजे से 8 बजे कर दी गई है, जो कि सरासर नाजायज़ है। इनका कहना था, हुकूमत ने अगर अपने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो हर जुमे वाले दिन एहतजाज करेंगे। कैमरा टीम के साथ बशारत खान, 51 न्यूज़, क्वेटा।